दिल्ली के चांदनी चौक के कृष्णा बाजार क्लॉथ मार्केट में आज एक बिल्डिंग गिरने से दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। 1937 में इस 3 मंजिली इमारत का निर्माण हुआ था। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था। इमारत के ऊपरी हिस्से को तोड़ा जा रहा था कि अचानक इसकी छत गिरी और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं घटना में घायल हुए दो लोग अरुणा आसफ अली अस्पताल में भर्ती हैं। ये हादसे का तो अभी हमें भी अंदाजा नहीं है। सवेरे हमको इतना मिली कि बिल्डिंग गिर गई है क्लॉथ मार्केट में, तो आने के बाद यहाँ पता चला कि कल इसमें तोड़फोड़ चालू हुई थी, जिसका किसी को भी, दिल्ली पुलिस को भी और कॉरपोरेशन को किसी को इतला नहीं थी। ये बिल्डिंग है, यहाँ पे 1937 से मार्केट है, 1937 से बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ऐसा है कुछ बिल्डिंगों की हालत बहुत खस्ता है, जैसे कोने पे एक बिल्डिंग है उसकी भी हालत बहुत खस्ता है। ये तो शुक्र समझो, भगवान का शुक्रिया समझो कि ये मार्केट 11, 11:30, 12 बजे करीब दुकानें खुलती हैं, उसकी वजह से ये हादसा इतने के ऊपर ही टल गया। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से से मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा था और इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी नगर निगम से, और इसी दौरान हादसा हो गया।